हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, ये फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाई गई है। गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में। गाइस, और ये SOL, NCweb और रेगुलर तीनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, और टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर आपको ऑल अपडेट मिलती रहती है गाइस। आपको SOL, रेगुलर और NCweb के तीनों अपडेट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे टाइम टू टाइम। आपको अपडेट किए जाएंगे कि आपके पेपर कब से स्टार्ट है, प्लस क्लासेस ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी, स्टडी मटेरियल कब मिलेगी और पेपर आपके ऑनलाइन होने वाले या ऑफलाइन, ये सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में हम बताने जा रहे हैं गाइस। तो आप ये देख सकते हैं गाइस जो आपके पेपर कब से होंगे। तो पहले तो ये आप जान लीजिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है गाइस, तो ये कंटेंट होंगे एग्जामिनेशन। आप ये देख सकते हैं 30 मार्च, ये आपको दिख रहा है 30 मार्च 2022 वेनेसडे, और ये नीचे दिख रहा है आपको 12 अप्रैल। तो आप मान के चलिए गाइस कि आपको 30 मार्च से पेपर स्टार्ट होने वाले फर्स्ट सेमेस्टर के NCweb, रेगुलर और SOL, ये डेट शीट सेम होती है गाइस। तो आप इसे मान के चलिए, और ये देख सकते हैं इसका, और सेकंड टर्म का भी हम बता देते हैं कि वो कब होंगे आपके। तो ये आप ये देख सकते हैं गाइस, तो आपके सेकंड टर्म के जो पेपर होंगे वो 12 अगस्त से 25 अगस्त तक के बीच में होंगे गाइस। तो आप ये देख सकते हैं इसमें, तो हमने आपकी बता दें कि डेट शीट कि आपके पेपर कब होंगे। अब हम आपको बता दें कि स्टडी मटेरियल, तो जो आपकी स्टडी मटेरियल SOL की है वो जनवरी के फर्स्ट वीक से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि आपको कहाँ से कलेक्ट करनी है बुक, कौन से सेंटर जाना है और कौन से सब्जेक्ट की, तो उसके ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे देख सकते हैं गाइस कि आपको पता चल जाएगा एड्रेस कि आपको कहाँ से बुक कलेक्ट करनी है SOL की। और गाइस, NCweb की कोई भी बुक नहीं मिलती है और ना ही रेगुलर की, तो आपको ये बाहर से परचेस करनी होगी, तो इस बात का आप ध्यान दीजिए। अगर आप चाहें तो SOL की बुक भी रीड कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस सेम होता है गाइस, बट आपको दिया नहीं जाता वहाँ से। तो आपके कोई सिस्टर या भाई बहन जो भी हो, अगर घर में ये बुक पढ़ी है फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आप उससे भी स्टडी कर सकते हैं, सिलेबस सेम होता है SOL का और रेगुलर NCweb का। तो ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि हमारे पेपर कब होंगे प्लस हमारे बुक का। तो SOL वाले के ऊपर एक वीडियो बनी पड़ी है गाइस, आप उसे देख सकते हैं कि स्टडी मटीरियल आपको कहाँ से मिलेगी। तो जनवरी फर्स्ट वीक से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और प्लस आपके ऑनलाइन क्लासेस लगेंगे ऑफलाइन, तो ये आप जान लीजिए गाइस। आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगने वाली है, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी थी, लेकिन आने वाले टाइम में फिर से एक न्यू वीडियो बना देंगे गाइस कि आपकी क्लासेस आपको कैसे लेनी है ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन नहीं होने वाले इस साल कोविड-19 को देखते हुए आपके ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन नहीं होंगी, ऑनलाइन ही होने वाले। और काफ़ी ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस, तो आप ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी बच्चे ये कह रहे हैं कि जो हमारे मार्च में पेपर होंगे ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, तो आप ये मान के चलिए कि अभी आपके के एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से 50-50+ चांस है कि आपके कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए ही आपके कंटेंट करवाए जाएंगे एग्ज़ाम ड्यू SOL। SOL में अभी करीबन 1.5 लाख स्टूडेंट ने न्यू एडमिशन लिया है 2021-2022 में फर्स्ट ईयर में, और इतने सारे मेंबर को, स्टूडेंट को ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाना मुश्किल है, क्योंकि कोविड का सीज़न आप देख सकते हैं गाइस, ये कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये इसकी तीसरी लहर आने वाली है गाइस। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपके एग्ज़ाम है, पेपर होने वाले मार्च में फर्स्ट सेमेस्टर के, वो ऑनलाइन ही होंगे, और इस पर अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि ऑफलाइन नहीं होने वाले गाइस, ऑनलाइन होंगे। इसके ऊपर जब भी ऑफिशियल अपडेट आती है वो भी हम आपको बता देंगे गाइस, लेकिन एक बात आपको हम ये बता देना ज़रूरी समझते हैं गाइस कि आप स्टडी अपनी ऑफलाइन अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो डिग्री का क्या फ़ायदा। आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम ऑनलाइन दे देंगे और आपको कुछ नॉलेज नहीं, आपने बुक में से देख के या गूगल करके लिख दिया, फिर उस डिग्री का क्या फ़ायदा। आपसे आप कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे, आपसे कोई भी कुछ पूछ देगा, आपको तो नॉलेज रहेगी नहीं, फिर आप जॉब में तो इंटरव्यू में पास हो नहीं पाएंगे। तो आप ये मान के चलिए गाइस कि हमें स्टडी अपने ऑफलाइन अकॉर्डिंग करनी है, कि हमारे किसी भी मोड में एग्ज़ाम हो हम दे सकें, दोनों में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में कंडक्ट करवा सकें,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट एस ओ एल में ऐसे एडमिशन लिए जो दिल्ली से है ही नहीं, वो अदर स्टेट से है, तो उन्हें कोविड के सीजन को देखते हुए अदर स्टेट से आके एग्ज़ाम देना नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप मान के चलिए कि ऑफलाइन नहीं होंगे, ऑनलाइन होंगे, लेकिन आप स्टडी ऑफलाइन अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि आपको नॉलेज होनी ज़रूरी होगी गाइस, क्योंकि ऑनलाइन के चक्कर में बच्चे स्टडी करते नहीं और उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं होती, फिर आगे आपको ये दिक्कत देखने को मिल जाएगी। जब भी आप ये कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपको जॉब वॉब के लिए या कहीं अप्लाई करना हो कुछ भी, फिर आपको कुछ नॉलेज नहीं होगी तो आप क्वालिफाई कैसे कहलाएंगे। तो इसलिए आप मान के चलिए कि ऑफलाइन अकॉर्डिंग स्टडी करनी, और ऐसे एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाले जब भी होते हैं। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है इसी चैनल पर आपको मिलता रहता है टाइम टू टाइम, तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस कैसे ज्वाइन करनी है और कैसे लेनी है आपको, और ये एस ओ एल, एन सी वेब और रेगुलर, ये तीनों के लिए वीडियो बताई जा रही है गाइस, और तीनों आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तीनों के अपडेट इसी चैनल पर आपको मिलते रहते हैं गाइस। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।